नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco M4 Pro 5G versus Infinix Smart 6 Plus का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M4 Pro 5G में 6.44 इंच जबकि Smart 6 Plus में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो M4 Pro 5G में 2.98 इंच जबकि Smart 6 Plus में 3.06 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो M4 Pro 5G में 0.35 इंच जबकि Smart 6 Plus में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो M4 Pro 5G में 195 ग्राम जबकि Smart 6 Plus में 202 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि M4 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो M4 Pro 5G में 20:9 जबकि Smart 6 Plus में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M4 Pro 5G में 6.6 इंचेस जबकि Smart 6 Plus में 6.82 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M4 Pro 5G में 1080x2400 और Smart 6 Plus में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M4 Pro 5G में 84.81% जबकि Smart 6 Plus में 83.73% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M4 Pro 5G में 399 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Smart 6 Plus में 257 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M4 Pro 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Smart 6 Plus की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो M4 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Smart 6 Plus की बात करें तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M4 Pro 5G में Mali G57 MC2 जबकि Smart 6 Plus में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M4 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 और Smart 6 Plus में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Smart 6 Plus में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Smart 6 Plus में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो M4 Pro 5G में अप टू 1TB जबकि Smart 6 Plus में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M4 Pro 5G में Android V11 जबकि Smart 6 Plus में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें स्मार्ट 6 प्लस की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 7,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको M4 Pro 5G में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 प्लस की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में M4 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M4 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Xiaomi Poco M2 Pro है, तीसरा Realme 7 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix 08i है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।